नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है कि हम लोग किस तरह से कैमरा ट्रैकर को यूज़ करेंगे। जी हाँ, आज मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो है कैमरा ट्रैकर। तो कैमरा ट्रैकर बहुत ही यूज़फुल है, एंड पावरफुल टूल है VFX के लिए, ओके, एंड देन कंपोजिटिंग के लिए, या फिर आप बोल सकते हो मैच मूविंग के लिए। तो कैमरा बहुत यूज़फुल है आफ्टर इफेक्ट्स में। तो हम लोग देखने वाले हैं कैमरा को कि किस तरह से हम लोग यूज़ में लेंगे कैमरा। तो चलिए इसका चलते हैं अपने आफ्टर इफेक्ट्स में, देखते हैं कैमरा ट्रैकिंग। जब भी आप 3D कैमरा ट्रैकर को लेना चाहते हो तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है, वीडियो फुटेज को आपको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है अपने न्यू कॉम्प के ऊपर। सी, अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से आ गए हैं, तो अब मैं देख सकती हूँ कि अब मैं इसको सिंपल वे में ट्रैक कर पा रहा हूँ कुछ ऐसा। तो आप भी कुछ इस तरह से ट्रैक कर सकते हो अपने वीडियो फुटेज को। तो बहुत ईजी है, कुछ इस तरह के वीडियो फुटेज ले लो जिसमें कैमरा दिख रहे हो या शेक कर रहे हो, कुछ ऐसा मुझे चाहिए। तो मैंने कुछ इस तरह के वीडियो फुटेज ले लिए, एंड देन मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो फुटेज में मैं कुछ अप्लाई करना चाहता हूँ, कैमरा ट्रैकर अप्लाई करने वाला हूँ आज इस वीडियो में। तो आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है अपने वीडियो फुटेज को, एंड देन विंडो में जाना है, एंड देन ट्रैकर ले लेना है। अब मैं यहाँ पर लेता हूँ ट्रैक कैमरा, इसको 3D कैमरा ट्रैकर भी बोलते हैं। जस्ट क्लिक कर दो, एंड देन आप देखो यहाँ पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये अपने आपको एनालाइज करना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स ये ट्रैकिंग में आ जाता है कि अब ये ट्रैक करना स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़े से टाइम के बाद ये खुद ट्रैकिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे एनालाइज करने के बाद बैकग्राउंड को। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा जो कैमरा ट्रैकिंग है वो कंप्लीट हो चुका है कुछ ऐसा। एंड देन जब ये कंप्लीट हो जाए तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि कितने सारे फीचर्स हैं। देखो यहाँ पे मैं पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3D कैमरा ट्रैकर हमारा जो ऑब्जर्व करता है या जो ट्रैक करता है वो कैमरा के मोशन को ट्रैक करता है कि कैमरा किस किस तरह से मोशन में गया, XYZ रोटेशन एवरीथिंग, राइट। तो कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ट्रैक हुआ तो मेरे पास कुछ ट्रैकिंग यहाँ पे टारगेट पॉइंट्स मिल गए। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ मिलता है आपको। सबसे फर्स्ट मिलेगा यहाँ पे ट्रैक पॉइंट साइज, तो ये हो जाता है ट्रैक पॉइंट साइज। तो आपको अगर इंक्रीज करने आप इंक्रीज कर लो, डिक्रीज करने डिक्रीज कर लो। ये टारगेट है, टारगेट मीन्स जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे तो आप एक सर्कल जैसा चीज़ दिख रहा है, ये भी हमारा टारगेट साइज है। तो आप चाहो तो यहाँ पे टारगेट साइज को भी थोड़े से बड़े कर सकते हो, जितना आपको चाहिए उतने बड़े साइज में आप ले सकते हो। मिनिमम आपको यहाँ पे तीन आपको सिलेक्ट करने हैं, मान लो मैंने 1, 2 एंड देन 3 मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो 3 आपको कम से कम आपको टारगेट पॉइंट्स को सिलेक्ट करने हैं। तो 3 मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं कुछ ऐसे, एंड देन सेलेक्ट होने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर राइट क्लिक करने हैं। जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे तो ये पूछता है कि आपको यहाँ पे क्या अप्लाई करना है। आपको क्रिएट टेक्स्ट करना है, आप टेक्स्ट ले सकते हो। क्रिएट सॉलिड लेना है, आप सॉलिड ले सकते हो, नल ले सकते हो, एंड देन इवन दो कैमरा भी ले सकते हो, मीन्स शेडो कैचर। तो यहाँ पे क्रिएट शेडो कैचर लोगे। तो अब जैसे ही यहाँ पे क्रिएट टेक्स्ट करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपको 3D ट्रैकर 3D के साथ आ जाएगा, आपका यहाँ पे 3D कैमरा भी आ जाते हैं। ओके, एंड देन टेक्स्ट भी है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट आ चुके हैं सिंपल वे में। तो टेक्स्ट भी यहाँ पे है, तो आपको टेक्स्ट अगर कुछ चेंज करने हैं तो आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एंड देन यहाँ पे जाकर मैं टेक्स्ट को ले लेता हूँ। लाइक क्लिक किया टेक्स्ट, एंड देन टेक्स्ट के जो भी साइज हैं, कम करने हैं ज़्यादा करने हैं, डबल क्लिक करके भी आप यहाँ से ले सकते हो। सी, तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को मैं कुछ इस तरह से ले पा रहा हूँ। तो सिंपल वे में है कि कुछ टेक्स्ट लिखना है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकते हो। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ लिख देने के लिए, लाइक मैंने लिख दिया यहाँ पे स्पीड। ओके, कैप्स लॉक कर दो, एंड देन लिख दो यहाँ पे, लाइक मैंने लिख दिया यहाँ पे कैप्स लॉक स्पीड, राइट। तो मैंने स्पीड लिख दिया कुछ ऐसा, स्पीड डबल क्लिक करो, एंड देन जो टेक्स्ट के कलर है ना वो आप बाय डिफॉल्ट कलर कर दो, यहीं पे क्लिक कर दो, एंड देन यहाँ से आप ब्लैक एंड वाइट आप कलर ले सकते हो। अगर नहीं चाहिए वाइट कलर तो नन क्लिक करके सिर्फ आप यहाँ पे ले सकते हो कुछ ऐसा, फाइन। एंड देन कैप्स लॉक हटा दो, काम खत्म हो गया। तो आपको यहाँ पे रिमूव कर देना है, कैप्स लॉक हटा देना है। अब यहाँ पे आप चाहो तो अपने टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, थोड़े से मूव करने हैं, जहाँ पे भी आपको लेके जाना है आप अपने टेक्स्ट को ले जा सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसा, फाइन। इवन दो टेक्स्ट को अगर आपको चेंज करने हैं फॉन्ट तो आप चेंज भी कर सकते हो। मैं चाहता हूँ टेक्स्ट के जो
स्टाइल है थोड़े से चेंज कर दूँ यहाँ पे, आई मीन जो फॉन्ट है मेरा वो मैं चेंज कर देता हूँ, एंड देन थोड़े बोल्ड वाले ले लेता हूँ यहाँ पे कुछ ऐसा, फाइन। एंड देन थोड़ा सा इसे भी इंक्रीज कर देता हूँ स्पीड। ओके, कलर आपको चेंज करने हैं आप चेंज कर दो, मुझे लग रहा है कि ये ग्रीन कलर ज़्यादा बेटर है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कुछ ऐसा स्पीड, फाइन। तो जैसा आपको चाहिए आप ले सकते हो यहाँ पे सिंपल वे में। एंड देन आप देख सकते हो, चेक करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे कि जैसे ही मैंने यहाँ पे प्ले किया एंड देन साथ साथ वो प्ले होना स्टार्ट हो गया कुछ ऐसे, राइट। तो बोलने का मतलब है कि बहुत ही इजी वे में आप कुछ इस तरह से कहीं पे भी अपने इमेज को या टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को भी आप ले सकते हो कुछ ऐसा बहुत ही इजी वे में। ओके, तो फर्स्ट तो हमारा कुछ इस तरह से है कि अगर आपको कुछ भी चेंज करने हैं तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो या टेक्स्ट को आप ले सकते हो, राइट। तो सिंपल वे में आप यहाँ पे टेक्स्ट को अप्लाई कर सकते हो कुछ ऐसा। नाउ आफ्टर दैट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा ट्रैकिंग तो हो गया, आपने देखा टेक्स्ट कैसे हम लोग ले सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, फिर से आप आ जाओ, फिर से मैं क्या करता हूँ, 1, 2 एंड देन 3, तीनों को मैं ले लेता हूँ। प्रॉपर हमारा आ रहा है यहाँ पे, जो टारगेट है वो प्रॉपर वे में फिट हो रहे हैं। नेक्स्ट राइट क्लिक करो एंड देन यहाँ पे अभी ले लो क्रिएट सॉलिड एंड कैमरा, राइट। सॉलिड एंड कैमरा में क्या होता है, यहाँ पे आप कुछ भी आप ऐड कर सकते हो, इमेजेस वगैरह। इस जो हम लोगों ने यहाँ पे ले रखा है जो पिंक कलर का है, इसका मतलब है कि यहाँ पे आप कोई इमेज को लेकर आ सकते हो। कैसे लेकर आओगे वो देखो, एक बार ये जब फिट हो गया यहाँ पे तो आपको करना क्या है, अगेन क्लिक करो, प्रोजेक्ट में जाओ एंड देन कोई इमेज को लेकर आओ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इमेज है, इस इमेज को क्या करो, सबसे पहले ये पिंक वाले को सिलेक्ट कर लो आप, एंड देन ऑल्ट प्रेस करके क्या करो, ये जो आपके पास लोगो है इसको आपको ऑल्ट प्रेस करने हैं एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है इसके ऊपर में। मीन्स आप बहुत इजी वे में आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। एंड देन आपको चाहिए थोड़ा सा आप रेजोल्यूशन को इंक्रीज कर लो, बिकॉज बहुत गंदे से दिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे कोका कोला का भी आपका आ गया यहाँ पे। अब मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, आई मीन थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एस प्रेस कर दो फॉर स्केल, थोड़े से साइज को इंक्रीज कर दिया जितना मुझे चाहिए। एंड देन थोड़े से आप इसको ना एक काम और भी कर सकते हो, बैक आ जाओ कॉम्पोजिशन में, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसा सी। तो ये हमारा कोका कोला का यहाँ पे कुछ बैनर जैसे कुछ लग गया है यहाँ पे। तो नॉर्मली आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पे, मैंने इसको यहाँ पे ले ले लिया है कुछ ऐसा, ये हमारा वो तो वहाँ पे स्टक हो गया इमेज कुछ इस तरह से, राइट। तो कुछ इस तरह से आप ले सकते हो, जो भी चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई करने हैं वो आप अप्लाई कर सकते हो एंड ले सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह से। मैं ऐसे में आप भी और भी दिखाऊंगा कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल, बट ये है हमारा इमेज को आप कैसे लेकर जाओगे अपने ट्रैकिंग के साथ। ओके, तो कुछ इस तरह से आप बना सकते हो या ट्रैक कर सकते हो अपने इमेज या वीडियो जो भी है उसको इस तरह से आप ले सकते हो। तो ये था हमारा बेसिक कैमरा कि किस तरह से हम लोग कैमरा को ट्रैक कर सकते हैं, अपने वीडियो को किस तरह से अटैच कर सकते हैं वैसे। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है और आपने कुछ नया सीखा होगा कि 3D कैमरा ट्रैकिंग कैसे हम लोग करते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स में किस तरह से यूज़ में ले सकते हैं हम लोग 3D कैमरा ट्रैकर को, बिकॉज ऑफ कि कैमरा ट्रैकर से बहुत कुछ बनते हैं। मैं बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ 3D कैमरा ट्रैकर में, तो बने रहिए मेरे साथ। तो आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इस तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।